आपका दोस्त दिनेश निम्बाव। बात करते हैं जून 2022 की राजस्थान सुजस मैगजीन, जो जिसका विशेषांक है पर्यावरण, पर्यावरण संरक्षण को लेकर, पर्यावरण से संबंधित जो भी मैटर बनता है राजस्थान के संदर्भ में उसकी बात कर रहे हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो है विविधता भरे प्रदेश में पर्यावरण पर्यटन की क्या संभावनाएं हैं, इसको लेकर बात करते हैं कि क्या क्या संभावनाएं राजस्थान के संदर्भ में पर्यटन को लेकर हो सकती है। अब विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली के साथ ही हमारे प्रदेश में अनेक पर्वत एवं पहाड़ियाँ हैं जिस पर जो है घने जंगल है, साथ ही बड़ी बड़ी झीलें, बांध एवं वेटलैंड्स हैं। वेटलैंड्स मतलब आर्द्र भूमि। वर्ष भर स्थानीय एवं प्रवासी पक्षी भारी संख्या में यहाँ आते रहते हैं। राजस्थान प्रदेश में सुनहरा थार मरुस्थल है। राजस्थान खनिजों के लिए देश का अजायब घर है, ठीक है। मरुभूमि क्षेत्र में खारे पानी की झीलें, सांभर एवं लूण करणसर इको टूरिज्म के लिए आकर्षण का केंद्र है। प्रदेश में ऐसे क्षेत्र भी हैं जो साल्ट प्लेट्स हैं, जो खूबसूरत एवं अनोखे तो हैं ही, बहुत अच्छे वन्य जीव क्षेत्र भी हैं जिनमें नैसर्गिक जीव विविधता है, जैसे रणथंभौर, सरिस्का आदि। गैर वन्य जीव क्षेत्र जैसे फलोदी में हो गया आपके कुर्जा प्रवासी पक्षियों का निवास क्षेत्र है, जो इको टूरिज्म का महत्वपूर्ण स्थल है। प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की दृष्टि से राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 लागू की गई है। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 याद रखिएगा लागू की। इसके तहत स्थानीय स्तर पर इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के समन्वय से प्राप्त सुझावों के आधार पर जिला स्तरीय योजना तैयार की जा रही है। नवीन पॉलिसी के क्रियान्वयन से जहां एक ओर स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर रोजगार में अभी वृद्धि होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।